नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके मैं हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है प्रिय दर्शकों, ये बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो मर्द अपनी पत्नियों को गाली देते हैं प्रिय दर्शकों, उनका क्या असर होता है। जो लोग अपनी पत्नियों को गाली निकालते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों के साथ क्या होता है, उन लोगों का नसीब कैसा होता है, क्या वो लोग धनी व्यक्ति बनते हैं, क्या वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्या वो लोग हमेशा निरोग रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी पत्नियों को गाली देते हैं तो प्रिय दर्शकों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानेंगे कि पत्नियों को गाली देना क्या सही है या गलत, और पत्नियों को गाली देने से क्या हमारे भाग्य पे कोई असर पड़ता है, क्या हमारे जीवन पे कोई असर पड़ता है, क्या हमारी आयु पे कोई असर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का वीडियो। दर्शकों, आज के जमाने में गाली देना हर किसी की जुबान पर रहता है। आज के युग में जब भी कोई इंसान बात करता है तो सबसे पहले उसके मुख से गाली निकलती है, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी समाज में रहे। लेकिन प्रिय दर्शकों, गाली देना एक तरीके से फैशन बन गया है। हर इंसान की जुबान पर हमेशा गाली रहती है, बातें बाद में करते हैं लेकिन पहले उनके मुख से गाली निकल जाती है। इंसान चाहे गुस्से में रहे या किसी से प्यार, लेकिन फिर भी उसके मुख से अक्सर गालियां निकलती हैं। ऐसा क्यों है? कई जनजातियां ऐसी हैं प्रिय दर्शकों जिनके मुख से हर शब्द शब्द पर गाली निकलती है। यदि हमारे मुख से गालियां निकलती हैं तो उससे हमारे संस्कारों का पता चलता है, हमारी शिक्षा का भी पता चलता है। जिन लोगों के मुख से अक्सर गालियां निकलती हैं उन लोगों का उनकी शब्दों से ही संस्कारों का पता चल जाता है। प्रिय दर्शकों, उन लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनके मुख से कब गाली निकल जाती है। यदि आप लोग उन लोगों से ऐसा पूछें कि उन्होंने अभी गाली निकाली है तो वो लोग आपसे इनकार कर देंगे, मना कर देंगे, कहेंगे कि मैंने कोई गाली नहीं निकाली है, लेकिन उनके मुख से गालियां निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो लोग अक्सर गालियां निकालते हैं, चाहे वो गुस्से में निकाले या प्यार में निकाले, प्रिय दर्शकों, वो लोग नरक के वासी होते हैं जो लोग अक्सर गालियां निकालते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, एक मत ऐसा भी है कि जो लोग अक्सर गालियां सुनते हैं और जो लोग अक्सर गालियां निकालते हैं प्रिय दर्शकों, उनका दिल बहुत कठोर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अक्सर गालियां देते रहते हैं उनका दिल पत्थर जैसा हो जाता है, और जो लोग अक्सर गालियां सुनते रहते हैं उनका दिल भी पत्थर जैसा हो जाता है। पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों की यदि हम बात को माने तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा गया है कि यदि ऐसे लोगों के सामने कोई मृतक व्यक्ति भी पड़ा हो तो प्रिय दर्शकों, उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकलता है। उनका दिल इतना कठोर हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं छलकता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो मर्द अपनी पत्नियों को रोज गाली देते हैं, अक्सर गाली देते रहते हैं, वो लोग बड़े पाप के भागीदारी हो जाते हैं जो लोग अपनी पत्नियों को गालियां निकालते हैं। आजकल के लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग अपनी पत्नियों पे हाथ तक उठा देते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है जो मर्द अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि महाभारत के युद्ध के समय हजारों लोगों की मार काट हुई थी, हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन इतने भयंकर, इतने भयानक युद्ध में भी
वहां पे गाली गलौज का प्रयोग नहीं हुआ था। युद्ध में इतनी सारी सेनाएं थी, इतने सारे लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो एक दूसरे को गाली निकाले, प्रिय दर्शकों। लेकिन आज के युग में एक छोटी छोटी बातों पर लोग इतनी गंदी गंदी गालियां निकालने लगते हैं कि सुनने वाले के कान बहरे हो जाते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नियों को गाली निकालते हैं, अपने बच्चों को गालियां निकालते हैं, या फिर अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का कभी भाग्य उदय नहीं होता है, उन लोगों का भाग्य कुंडली मार के सो जाता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जो लोग, जो मनुष्य अपनी पत्नियों को गाली देते हैं, अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग नरक के वासी होते हैं, उन लोगों को नरक में डाला जाता है, प्रिय दर्शकों। और यह भी लिखा है कि नरक में विष्टा, उल्टी, मद, कीड़े मकोड़े आदि चीज नरक में रहती है, ऐसी चीजों के कुंड बने हुए होते हैं, उनमें उस व्यक्ति को डाला जाता है। जो लोग अपने माता पिता को गाली निकालते हैं, अपने बच्चों को गालियां देते हैं, और अपनी पत्नी को गालियां देते हैं, और अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं, प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों को नरक में डाला जाता है, वो लोग नरक के वासी हो जाते हैं, उनका जीवन बड़ा दुखमय ही हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। जो मर्द अपनी घर की लक्ष्मी को यदि कुछ नहीं रख सकता, तो प्रिय दर्शकों, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होता है। उस घर से मां लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ के चली जाती है, और उस घर में कभी भी आगमन नहीं होता है। जो लोग अपनी पत्नियों को गालियां निकालते हैं, जो लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, ऐसे घर में हमेशा दुख दरिद्रता ही बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। प्रिय दर्शकों, नारी जो होती है, नारी एक शक्ति रूपा होती है, मां भगवती का रूप होती है, मां लक्ष्मी का रूप होती है। प्रिय दर्शकों, पत्नी जो होती है आपके आदीन होती है। पत्नी अपने मां बाप सब कुछ छोड़कर आपके साथ आती है, और यदि आप अपनी पत्नी को गाली गलौज करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, तो प्रिय दर्शकों, उस घर का विनाश ही होता है। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। शास्त्रों में पत्नी को मां लक्ष्मी का रूप दिया गया है। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई नई दुल्हन हमारे घर में आती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में नई लक्ष्मी आई है। आपके घर को संभालने का काम आपकी पत्नियां करती हैं। प्रिय दर्शकों, मर्द लोग हमेशा बाहर रहते हैं, घर को चलाने का काम पत्नियां करती हैं। आपके घर को किस तरीके से चलाना है, आपके परिवार को किस तरीके से चलाना है, ये सब कुछ पत्नियां देखती हैं। और उसी पत्नी पे यदि आप हाथ उठाते हैं या फिर उनको गाली गलौज करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए रूठ के चली जाती हैं। और जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो या किसी अन्य में हो, प्रिय दर्शकों, उस घर में भी मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मर्द का भाग्य उसकी पत्नी के हाथों में होता है। यदि आपकी पत्नी आपके घर में खुश नहीं है, तो प्रिय दर्शकों, आपका भाग्य कभी भी उदय नहीं हो सकता। आप चाहे लाखों यत्न कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपका भाग्य उदय नहीं होगा यदि आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है, आपसे खुश नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते, तो प्रिय दर्शकों, इस जीवन में आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखें, अपनी पत्नी को सुख देना सीखें। यदि आप अपनी देवी स्वरूपा पत्नी को दुख देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म में तो भूल जाइए कि आपका भाग्य भी उदय हो सकता है। प्रिय दर्शकों, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यदि आपके आड़ोसी पड़ोसी में, यदि आपके आजू बाजू में
कोई भी पति अपनी पत्नी को मारता है तो प्रिय दर्शकों उसके हालात आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यदि कोई पति अपनी पत्नी को खुश रखता है, दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से जीवन जी रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों उनका भी भविष्य आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उन लोगों का भविष्य कितना आनंदमय ही होता है, कितना सुखदायी होता है। यदि आप भी अपनी पत्नियों को गालियां निकालते हैं या फिर अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं, तो प्रिय दर्शकों आज से इस पर कंट्रोल कीजिएगा। यदि आप भी अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों इस पर जरूर गौर कीजिएगा और जितना हो सके अपनी पत्नियों को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपकी पत्नी आपसे खुश रहेगी, आपके घर में प्रसन्न रहेगी, तो प्रिय दर्शकों बहुत जल्द मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपका बहुत जल्द भाग्य उदय होगा। जिस घर में पत्नियां खुश रहती हैं प्रिय दर्शकों उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और जो लोग अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं वो लोग इस पर जरूर अमल करेंगे और वो अपनी पत्नियों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आप सभी के घर में बहुत जल्द आगमन हो और आप सभी का बहुत जल्द भाग्य उदय हो। प्रिय दर्शकों मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।